क्योंकि साड़ी जिहड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वह मतलब इदां दा कुछ नहीं करना मंगदी कि असीं किसी नूं तंग करिए। सत श्री अकाल जी, स्वागत है रोज़ाना टाइम च। इस वेले की वड्डी खबर अमृतसर तो सामने आ रही है, जिथे क्रिश्चन भाईचारे दे वल्लों शोभा यात्रा कढ़ी जा रही थी ते जिसनू लै के कुछ निहंग सिंघां दे वल्लों खल पा दित्ती गई ते उत्थी पुलिस ने साडा कोई साथ नहीं दिता, पुलिस अलग खड़ी हो गई और मेरे बेटे दे उत्ते हमला किया। मतलब ऐदा दा कुछ नहीं करना मांगदी कि असीं किसी नूं तंग करिए, ठीक है कि नहीं। अज तो तुसीं देखो किन्ने साल पहला भी ये सब कुछ चल रहा है, पर अज ही साडे धर्म दे खिलाफ क्यों ये सब कुछ होया? ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए इस काम लिए कि साडे नाल अगे तो इंज दा कुछ ना होवे, सानू इंसाफ चाहिए। हालेलुया हालेलुया। अं हर साल की तरह प्रभु यीशु मसीह की शोभा यात्रा कढ रहे थे। उस दौरान साड़ी शोभा यात्रा के निहंग सिंघां वालों 5-3 गड्डियां ओवरटेक करके एक नौजवान के उत्ते नंगियां तलवारां लैके हमला किया गया। उस नौजवान नूं मैं बाहों खिंच के जनता दे विच कीता, तां उहदा बचाव होया। फिर वह गड्डियां लैके तो फरार हो गए। पुलिस प्रशासन वालों उन्हां उत्ते कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस करके असीं यह मंग करते हाँ कि उन्हां उत्ते बनदी कार्रवाई की जाए तो सानू इंसाफ मिले। कितनी देर दे इत्थे बैठे हो? सानू दो घंटे सानू लगभग 2 घंटे हो गए तो सानू कोई साढ़े कोई कोल नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, कोई साड़ी सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस प्रशासन अधिकारी पहुंचे, गलबात हुई? कोई गलबात उन्होंने नाल हुई है। वह कहते भी जाम तोड़ दो, असं कहने भी उन्होंने फड़ो अते उन्होंने कोलों उन्होंने बनती कार्रवाई करो तो फिर असं जाम तोड़ांगे, नहीं तो यह जाम रात दिन लगा रहेगा। साडा पिंड एसी है, यहो आ पाखरपुरा पिंड आ, असं इस जगह से लंगर ला देंगे तो पूरा जाम लगा रहेगा। 2 दिन लगा रहे, 3 दिन लगा रहे, जिन्हों तक सानू इंसाफ नहीं मिलता असं ये जाम नहीं तोड़ांगे। ये की सीगा, इन्हां ने अज अपनी शोभा यात्रा जिहड़ी है इत्थों जगतीपुर तो लैके पाखरपुरा तो लैके गए सीगे बटाला एरिया दे विच, बटाला डिस्ट्रिक्ट दे विच। और जदों उत्थे किते वापस आउंदे आ उत्थे लैजेड है कि कोई निहंग सिंघां दीआं 2 गड्डियां आईआं ने जिहड़े इन्हां दे कोलों ही लंघ रहे सीगे, उत्थे कोई तकरारबाजी हुई है, जिस चीज़ नूं असीं इनवैसटीगेट कर रहे हाँ। सारा सर कोई सीसीटीवी फुटेज सामने? सीसीटीवी फुटेज हाले तो क्योंकि असी हुण कर रहे हैं, असी सारा जिहड़ा उहनूं पड़ताल करांगे, सारी सीसीटीवी जिहड़ा भी रस्ते की सारी देख के जो बनती कार्रवाई असी करांगे। उन्हां तकरार इन्हां दा गल्लां बातें जरूर है, बट किसी नूं कोई जख्मी होना उहो जी कोई गल नहीं। सर किन्ने निहंग सिंघ सी जिहड़े, किन्नियां गड्डियां दे नाल? इन्हां दे हिसाब दे नाल 2 गड्डियां सीगियां जिहड़ी असी अंडर इनवैसटीगेशन आ, जिहड़ा असी सारा कुछ अंटिल एंड अनलेस असी सीसीटीवी देख लईए उन्नी देर कुछ किया नहीं जा सकता। नस्ली हमला सीगा या एक रोड ते वैसे? नहीं, ये रोड रेज या हाई हैंडडनेस, क्योंकि जदों आपां कर रहे हैं शोभा यात्रा उहदे विच हर तरह के लोग होंगे, कोई पता नहीं हुण जिहड़ी कोई गड्डी लागो लंघ रही है कोई गलबात की हुई है, इसे हुण इनवैसटीगेशन का मसला है, उस तो बाद ही पता चलेगा। कहा जा रहा है कि शोभा यात्रा नूं लैके सुरक्षा वास्ते कहा गया है, पर पुलिस वालों सुरक्षा नहीं दी गई। सुरक्षा वास्ते इस तरह है कि जिस तरह चौंकी इंचार्ज इसे करके ऑलरेडी सस्पेंडेड है, इसे करके बिकॉज उन्होंने भी पता अज ही लगा, उन्होंने अज ही दोपहर ही पता चलिया कि इस तरह, जबकि जो कोई यहोजी गल होंगी यदि प्रॉपर टाइप एक नैशनल हाईवे है, प्रॉपर टाइप डीसी साहब वालों SDM साहब वालों मंजूरी आने तो बाद ही पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जानी बनती है।
मतलब गलत है जो मंदभागी गल है वट एवर इज अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट है जोड़ा नहीं होना चाहिए ये मैटर ऑफ इनवैसटीगेशन है क्योंकि असी हूँ सीसीटीवी तो ही पता लगेगा कि एक्चुअल जी जगह कही है प्रोबेबली हो सकता है उधर की होए बट हूँ तो साढ़े को असी वील इनवैसटीगेट असी ऑलरेडी वी हैव टेकन टाइम असी हूँ जो सारे सीसीटीवी देख के जो भी इन्होंने गड्डी नंबर दरखास्त जो जो लिखाया है असी इनवैसटीगेट करके जो भी बनती कानूनी कार्रवाई है एज पर लॉ असी हो कहना है कि उन्होंने अचानक ही आके कुटमार करनी शुरू कर दी थी जिसके कारण काफ़ी हंगामा मच गया तो पुलिस ने उन्होंने शिकायत दर्ज की है परंतु पुलिस के वालों कोई हजे कार्रवाई नहीं की गई तो जिसनों लैके उन्होंने कार्रवाई की मांग की है।